खाना बनाने और हथियार चलाने वाले रोबोट तो आपने देखे होंगे, लेकिन क्या आपने ऐसा स्नेक रोबोट देखा है जो शनि ग्रह के चंद्रमा एनसेलेडस पर जीवन की तलाश करे? सांप की तरह दिखने वाला ये रोबोट खुद नासा बना रहा है। इससे पहले वैज्ञानिक ऐसा रोबोट भी बना चुके हैं जो चिकित्सा, साइंस, फार्मिंग और रिसर्च रेस्क्यू के साथ स्पेस मिशन में काम आए। इसे इटालियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी यानी JPL के वैज्ञानिकों का मानना है कि सांप जैसा दिखने वाला स्नेक रोबोट शनि ग्रह के बर्फीले चांद के मुश्किल टेरेन में एलियंस के होने का पता लगा सकता है। बता दें कि शनि ग्रह में 145 चंद्रमा है। नासा के वैज्ञानिक शुरुआत में जिस बर्फीले चंद्रमा पर एलियन लाइफ का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो है एनसेलेडस। ये चंद्रमा अपनी बर्फीली सतह से पानी फेंकने के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि हमारे सोलर सिस्टम में एनसेलेडस में जीवन होने की संभावना बेहद ज्यादा है। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार नासा ने इस रोबोट का नाम एक्सोबायोलॉजी एक्सटेंट लाइफ सर्वेयर रखा है। इसे शॉर्ट में EELS भी कहा जाता है। ये शनि ग्रह के छठे सबसे बड़े चंद्रमा एनसेलेडस की सतह पर पानी और जीवन से जुड़े सबूतों की खोज करेगा। ये एक सॉफ्ट रोबोट है जिसका लचीलापन ही इसे सबसे खास बनाता है। ये केचुए की तरह ही जमीन पर चलता है और आसानी से मिट्टी खोदकर जमीन के अंदर भी जा सकता है। सांप की तरह बनने वाला रोबोट भी किसी भी क्षेत्र में हो रही रिसर्च में मदद कर सकता है। नासा के इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये खुद अपने लिए रास्ता चुन सकता है और उन सभी जगहों पर जा सकता है जहां दूसरे रोबोट्स नहीं जा सकते। इसके जरिए लहरदार रेत, बर्फीली सतह, खड़ी चट्टान, अंडरग्राउंड लावा ट्यूब्स और ग्लेशियर्स के अंदर की भूल भुलैया वाली गुफाओं को भी देखा जा सकता है। नासा ने नए रोबोट का एक वीडियो भी अपने आधिकारिक YouTube चैनल पर रिलीज किया है। नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के अनुसार EELS एक मोबाइल इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म है। इसे बनाने का मकसद शनि के चंद्रमा की संरचनाओं का पता लगाना, वहां रहने की क्षमताओं का आकलन करना है। कुल मिलाकर मकसद जीवन से जुड़े सबूतों की खोज करना है। माना जाता है कि एनसेलेडस की बर्फीली सतह बहुत स्मूथ है। वैज्ञानिकों को ऐसा लगता है कि वहां की बर्फीली सतह के नीचे पानी की मौजूदगी हो सकती है। जैसा कि हमने बताया कि EELS सांप की तरह दिखने वाला एक रोबोट जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि शनि ग्रह के चंद्रमा को एक्सप्लोर करने में कोई रुकावट ना आए। EELS प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की तारीख अभी फाइनल नहीं हुई। अगर 16 फुट लंबे रोबोट की लॉन्चिंग कामयाब होती है तो वो खोजें मुमकिन हो जाएंगी जहां तक इंसान भी नहीं पहुंच सकता। नासा के इस रोबोट में 4 जोड़ी स्टीरियो कैमरा तथा लीडार का यूज किया गया है। उनका प्रयोग करके ये अपने आसपास के हिस्से का 3D मैप बनाता है। उस मैप को समझकर ये नेविगेशन एल्गोरिदम का प्रयोग करके आगे बढ़ता है। इसमें कई छोटी मोटर्स लगी हैं जिसमें चलाने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। इसकी सहायता से ये किसी भी प्रकार की सतह पर बड़ी आसानी से चल सकता है और डेटा कलेक्ट कर सकता है।